बड़े कार्य करने की इच्छा बहुतों में होती है, किंतु उनमें से बहुत कम ये जानते हैं कि बड़े कार्य करने के लिए बुद्धि से कहीं अधिक हृदय की आवश्यकता है, यानी अनुभव शक्ति की आवश्यकता होती है। बुद्धि या विचार शक्ति में क्या धरा है, वो तो कुछ दूर जाती है और बस वहीं रुक जाती है, किंतु हृदय महाशक्ति का द्वार है, अंतस्फूर्ति वहीं से आती है। स्वामी विवेकानंद ने सुधारकों और देशभक्तों को हृदयवान बनने की सलाह दी और पूछा, क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों के करोड़ों संतान आज पशुतुल्य हो गई हैं? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखों मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से इसी भांति भूखों मरते आए हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को ढक लिया है? क्या तुम ये सब सोचकर द्रवित हो जाते हो? क्या इस भावना ने तुम्हारी नींद को गायब कर दिया है? क्या ये भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बहती है? क्या वो तुम्हारे हृदय के स्पंदन से मिल गई है? क्या उसने तुम्हें पागल सा बना दिया है? क्या देश की दुर्दशा की चिंता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय बन बैठी है? और क्या इस चिंता में विभोर हो तुम अपने नाम, यश, स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर की भी सूध बिसर गए हो? क्या सचमुच तुम ऐसे ही चले गए हो? रोशनी और सूरज, रोशनी और ऊर्जा देता है सूरज, चहकने की और चुलबुलेपन की अदा सीखने को मिलती है चिड़ियाओं से, खिलखिलाने की सीख हमें देता है फूलों की खुशियाँ। और तो और, अगर आपको दिल खोल के देने की अदा सीखनी है तो सुबह से सीखें, क्योंकि ये सुबह हमें हर पल कुछ ना कुछ देती ही रहती है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं सुप्रभात धरती धुरारी की, और आप सभी का स्वागत करते हैं मैं मेहजबीन और मैं नेहा। और वाकई मेहजबीन, जिस तरह सुबह हमें इतना कुछ सिखाती है, उसी तरह इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें और हमारे आज के युवा को बहुत कुछ सिखाया हमारे आज के गेस्ट अजय डाटा जी ने। तो चलिए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं अजय जी का आपके अपने कार्यक्रम सुप्रभात धरती धुरारी में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात धरती धुरारी में। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम बात करेंगे और बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा आपसे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी सर आपकी सुबह के बारे में, कि आपकी सुबह की शुरुआत किस तरह होती है? सुबह की शुरुआत जनरली 7 बजे शुरू हो जाती है। अच्छा, तो कितने बजे भी सोएं 7 बजे से शुरू हो ही जाती है। उठते ही अपने रूटीन कार्यक्रम के बाद में अखबार वगैरह पढ़ना, नाश्ता करना, थोड़ा काम पेंडिंग अगर रह जाता है रात को तो वो करना। तो बेसिकली आई एम ए वर्कहोलिक पर्सन, लव टू वर्क, सो स्पेंड टाइम। बच्चे चले जाते हैं 8 बजे तक, 7:30 बजे तक स्कूल। अच्छा, तो उसके बाद में फ्री टाइम भी होता है, तो एज मच वर्क एज वी कैन एंड देन गेट रेडी एंड गो टू ऑफिस अराउंड 9:30। अच्छा, तो मतलब आपका काम सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाता है कि जितना? 7 मैं नहीं कहूंगा, हाँ 8 बजे से आसपास काम शुरू हो जाता है। तो इस बात पे आपकी वाइफ का कुछ कहना नहीं होता है? वाइफ भी बिजी रहती हैं, शी इज आल्सो इनटू प्राणिक हीलिंग, दिस एनर्जी साइंस, तो वी स्प्रेड एनर्जी साइंस इनटू पीपल्स लाइफ। तो एनर्जी साइंस पे कभी बात करेंगे, वो भी बिजी रहती हैं। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली ज्यादा बिजी रहते हो तो शिकायत तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल बात ही है। बिल्कुल, नहीं हो तो तकलीफ होगी। घर में सभी वर्कहोलिक हैं, यानी सभी काम करते हैं। और अगर शिकायत होती है तो उसे आप चाय के साथ पी लेते हैं, बिस्किट की जगह शिकायत खा लेते हैं। शिकायत होती है तो शिकायत का भी निपटारा किया जाता है, उसका भी अपना ही मजा है। बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल, आप अलवर से है, अलवर के पास एक छोटी सी जगह है, वहां से है, वहां पर आपने अपनी स्कूलिंग करी, पढ़ाई आपकी पूरी वहां हुई है। उसके बाद आपने दुनिया के बाहर, इंडिया के बाहर आपने कदम रख दिया और फिर आपकी आगे पढ़ाई यूएस, नीदरलैंड यहां पर हुई है, आपने पीएचडी भी करी है। तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि वहां पर इतने साल गुजारने के बाद, वहां पढ़ने के बाद आपने ये नहीं सोचा कि मुझे वहीं जम जाना चाहिए, इंडिया वापस क्यों आए, और वो भी राजस्थान?
एक्चुअली हमारी मदर का श्रेय जाता है इसमें, अगर आप देखें तो हम खैरथल गांव में पढ़ा करते थे, वेरी नाइस प्लेस टू लिव, बहुत शांति की जगह है, लेकिन हमारी मदर चाहती थी कि हम कुछ पढ़ लें, इंग्लिश पढ़ लें, खासतौर पर कुछ अपने लिए कर लें, क्योंकि वहाँ पर हमारी अनाज की मंडी है, वहाँ पर हमारा काम था और एक ऑयल की मिल थी, तो देर वॉज नॉट मच स्कोप फॉर फ्यूचर। तो मदर ने पुश किया काफ़ी और कर करा करके जयपुर भेज दिया। जयपुर में भी एडमिशन हो गया कॉमर्स कॉलेज के अंदर, और अच्छा। आप जानते हैं कॉलेजेस में पढ़ाई किस तरह की होती है, तो हार्डली एनी क्लासेस। सो फिर देन यहाँ पर मुझे पता पड़ा इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बिल्कुल। एंड एक्चुअली आई लर्न इंग्लिश इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज। अच्छा, मतलब इतने सालों से आपने इंग्लिश का कोई इंग्लिश ऐसा छुआ नहीं वाली बात नहीं थी, क्लासेस तो होती हैं, बट यू डू नॉट स्पीक रियली इन इंग्लिश एंड कॉलेजेस, राइट? सो यू हैव ओनली इंग्लिश एज अ पेपर, लाइक संस्कृत एज अ पेपर। बिल्कुल, बिल्कुल। सो कैन यू स्पीक संस्कृत टुडे? आंसर इज नो, बट वी हैव ऑल क्लियर्ड इट, राइट? सेम थिंग इज इन इंग्लिश इन विलेजेस। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप बोलना नहीं जानते हैं जयपुर के अंदर, तो बेसिकली एक गंवार वाली परिभाषा में घुस जाते हैं। अच्छा। किसको कुछ नहीं आता है, या मैंने सुने हैं वो वर्ड्स भी कि गांवड़ा है, अगर आप गंवार है, इस तरह की वर्ड्स भी इस कॉलेजेस में सुनने को मिलते थे। देन आई रियलाइज कि यार अंग्रेजी तो सीखनी पड़ेगी, उसके बिना चारा नहीं है। बिल्कुल। सो देन आई ज्वाइंड 3 इंग्लिश ट्यूशंस इन अ डे। अच्छा। तो एक जो कॉलेज की बुक्स में पढ़ाते थे, एक में इंग्लिश स्पीकिंग और एक रिपीटेशन। अच्छा। सो एक दिन में 3 क्लासेस करते थे, 6-7 महीने करा, तो देन बिकम वेरी कंफर्टेबल विद दैट। एंड अब तो फिर सब जगह जाकर के बात भी करते हैं, स्पीच भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो फिर आप बाहर भी जाके आपने पढ़ाई करी है, जहां पर तो इसकी रिक्वायरमेंट काफी थी। यस, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। तो आपको इंग्लिश के बिना गुजारा नहीं है, लेकिन मैं अभी भी आई फाइंड माई सेल्फ मोर कनेक्टेड टुवर्ड्स हिंदी। कंफर्ट वहाँ ज्यादा है, दिल की बात वहाँ से होती है। और अगर अपन दिल की बात करें तो देखो, किसी को गाली देनी होती है अंग्रेजी में तो मजा ही नहीं आता वो भी मजा हिंदी में है, अपनी भाषा में ज्यादा। और वो कोई दे भी देना आपको इंग्लिश में तो आपको भी अच्छा ठीक है, कुछ बोल दिया होगा, खास बात नहीं है। हिंदी में बोलेगा ज्यादा लगेगी आपको, लगती जब ही है। बिल्कुल 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 सही बात कही। तो हाँ, यही बात थी। और सेम चीज इमोशन से रिलेटेड भी है। आप किसी को अगर बोलो आपकी यू नो इमोशनल कोई बात बोलनी है आपको, अपने हस्बैंड को या वाइफ को या बच्चों को, तो इंग्लिश के अंदर उसमें वो इमोशन ही नहीं है, फील नहीं, फील नहीं आता। बिल्कुल। जो खुद की भाषा में फील है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, जितना आपको आपकी लैंग्वेज से लगाव है, उतना ही लगाव आपको आपकी फैमिली से भी है। तो अगर आपके बचपन की बात करें तो किससे ज्यादा अटैचमेंट रहा, किससे सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी, क्योंकि आप बड़े रहे हैं आपके भाई बहनों में? मदर, मदर से ज्यादा लगा, मदर से ज्यादा सबसे बड़ा, क्योंकि मैं ही था। अच्छा। तो सारा अटेंशन भी सबसे पहले फर्स्ट चाइल्ड पे ही होता है पेरेंट का। बिल्कुल। एंड यू हैव टू क्रिएट द माइलस्टोन्स फॉर यंगर्स। तो आपको जो आपको 10 साल पे मिला वो दूसरे छोटे बच्चे को 7 साल पे मिल जाएगा, उससे छोटे को 6 साल पे मिल जाएगा। इट इज लाइक दैट। सो मेरे को अगर 21 साल पे पहला मोबाइल मिला तो ऑब्वियसली मेरे सिस्टर को 16 पे मिल गया। राइट? इट इज नेचुरल टू हैपन। तो ये एक स्वाभाविक सी बात है मेरे ख्याल से हर घर में। पेरेंट्स जो है फर्स्ट चाइल्ड के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, सेकंड के लिए कम होते हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो आई ऑल्सो गेट टू द सेम थिंग। तो एक बहुत अच्छी कहावत है, व्हेन यू नो योर पेरेंट्स वर राइट, यू हैव समबडी हू थिंक्स यू आर रॉन्ग। बिल्कुल। दिस इज अ साइकिल। तो आपके बच्चे सोचते हैं आप गलत हो, आप सोचते हैं आपके पेरेंट्स गलत हैं, जब बस डांटते रहते हैं, अब आपको लगता है यार सही करते थे, अभी तो ही कर रहे हैं। जी, वो कहते हैं ना कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें पता लगेगा। वही बात है। तो जब उन जूतों में पैर जाता है तो ज्यादा अच्छी तरीके से बात पता लगती है कि जूता कितना काटता है। यू रियलाइज यही फैक्ट है। तो आपको डिसिप्लिन भी करना है, सिखाना भी है बच्चों को, वही पेरेंट्स करते हैं मेरे ख्याल से। पर वही ऐसा भी होता है कि बड़ों को ही सबसे ज्यादा डांट भी पड़ती है, क्योंकि आपसे छोटे भाई बहन होते हैं एंड हर चीज के लिए सबसे पहले बड़ों को ही समझाया जाता है, ब्लेम किया जाता है। बड़े को बेनिफिट भी है। बिल्कुल। सबसे पहले साइकिल मिलती है तो छोटे को नहीं मिलती है, आप ही बॉस होते हो साइकिल चलाने वाले, पास आउट होती है उसको, सारी सेकेंडरी चीजें मिलती है आपको, नहीं मिलती है, ऐसा भी फायदे भी है। बट आई थिंक विद टाइम यू रियलाइज कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत होती है, और यू मेरे को ऐसा लगता है जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे यू हैव मोर रेस्पेक्ट टुवर्ड्स पेरेंट्स, बिकॉज दे यू गो थ्रू द सेम साइकिल। एंड फॉर मी आई थिंक इट्स एन ब्लेसिंग कि हमारी मदर ने यहाँ भेज दिया
पापा ने सपोर्ट किया पूरा यहाँ पर, आज भी करते हैं पूरा सपोर्ट, जो भी करते हैं तो हम कुछ कर पाए यहाँ पर, वहाँ पर खैर तो आपके आपके काम की शुरुआत के बारे में तो अभी हम बात करेंगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बचपन जो था आपका वो शरारती किस्म का रहा था या फिर आप बड़े थे तो मतलब बड़े की तरह ही चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर कंधे पर? ज्यादा चांस और तो पेरेंट्स ही दे पाएंगे, शरारती अपने आपको मैं क्या बोलूंगा बताइए। नहीं वो पता लगेगा ना जिस हिसाब से आपने उंगलियों पे गिनती करी कि कितनी डांटे पड़ी है। नहीं आई थिंक आई वॉज नॉट वेरी शरारती, थोड़ी बहुत शरारत जरूर की होगी बचपन में, बच्चे सभी करते हैं, बट आई कैन से मैं बहुत खेलता बहुत था। अच्छा, पढ़ाई के प्रति रुझान कम था, हाँ। खेल के प्रति रुझान ज्यादा था। अच्छा, खिलाओ कितना भी। अच्छा, पूरे दोपहर में 50 डिग्री टेम्परेचर हो तो भी पतंग पूरी उड़ानी है जी। अच्छा, खेलने जाना ही है, सुबह 4 बजे उठ करके क्रिकेट खेलने जाना ही है जी। खेला जी। बहुत, हर स्पोर्ट खेला है मैंने अपने लाइफ में, वहां पर गाँव में रहते हुए भी। ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं जो दिन भर में चारों पांचों स्पोर्ट नहीं खेले हैं एक ही दिन जी, में सो स्पोर्ट बहुत खेला है वहाँ पर। और गांवों में तो फिर टीले भी होते हैं, मट्टी भी होती हैं, ऊंट भी होते हैं, उनके साथ भी बहुत खेला है। बिल्कुल जी। अनाज की मंडी में रहते थे तो वहाँ पर डले होते हैं उन पर चढ़ गए, बोरियों की धांग लगी हुई है उन पर चढ़ गए, बहुत कुछ अलग अलग तरीके के गेम होते हैं जो शहरों में संभव भी नहीं है। नहीं बिल्कुल, बिना खिलौनों के जो खेल हुआ करते थे। मेरी ख्याल से जयपुर में कौन खेलता होगा जो लट्टू बोलते हैं, गिल्ली डंडा बोलते हैं, जयपुर में तो ये आई थिंक किसी को समझ में भी नहीं आएगा। कंचे हैं, कौन खेलता है यहाँ पर, गाँव में हमने सारे खेल खेले हैं। ये एक अपने आप में गाँव का अलग एक्सपीरियंस है, यहाँ के अलग गेम है। अब यहाँ के गेम में बिलियर्ड्स गाँव वाले को नहीं पता होगा फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये फ्री के गेम थे, इसमें खर्च नहीं करना पड़ता था। हाँ, ये फ्री के और गेम। खुशी अलग फ्री के गेम थे बिल्कुल। अच्छा, तो बचपन से ही आपने टेक्नोलॉजी के बारे में, आपके दिमाग में एक रील चलती रहती थी या ये टेक्नोलॉजी से जो आपका जुड़ाव हुआ है और आपने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में उतरना सोचा, ये कब शुरुआत हुई और बचपन में क्या सोचते थे कि क्या बनना है? कभी नहीं सोचा क्या बनना है, नहीं सोचा। अच्छा इंसान रहना है, पेरेंट्स ने सिखाया जी, और कुछ भी करो ढंग से करना है, अपना नाम कमाओ, कुछ अपना करो जी, यही भावना रहती थी। टेक्नोलॉजी करेंगे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो बाहर कैसे निकलना हुआ फिर आपका, क्या सोच? तो यहाँ पर कॉमर्स कॉलेज में आए थे जी, एंड कॉमर्स कॉलेज के बाद में इंग्लिश पढ़ी मैंने एज यू नो जी जी। तो टाइम बहुत रहा करता था, जयपुर में अकेला था मैं यहाँ पर, तो घर के पास में एक इंस्टीट्यूट था, MBA इंस्टीट्यूट था। अच्छा, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। सो दैट्स एन अमेरिकन इंस्टीट्यूट, देन आई वेंट टू US टू गिव माय पेपर, एंड in that institute I realized that there is a specialization for computer applications जी। वो किसी ने नहीं चुना था, तो मैंने सुना कि computer applications चुनते हैं। अच्छा। इसलिए सुना मैंने वो क्योंकि मैं साथ में कोर्स और कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। अच्छा। वो भी मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि टाइम बहुत था, तो ये टाइम बहुत ज्यादा था, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती थी, तो साथ में टाइम वेस्ट करने की बजाय आई ज्वाइन दीज थिंग्स कि चलो पता नहीं क्या काम आएंगी, तो पढ़ लिया वहाँ पर। उसके बाद में आई ज्वाइंड माय फैमिली बिजनेस, सो इन द मीन टाइम वी टुक ओवर ए कंपनी कॉल्ड जयपुर ग्लास एंड पॉटरीज। अच्छा, टॉक रोड पर है, आपने सुना होगा, ग्लास फैक्ट्री के नाम से मशहूर है जी। उसके अंदर बोन चाइना क्रॉकरी बनती है जी। अच्छा, तो आई ओनली स्टार्टेड विद माय अंकल दैट प्लांट। अच्छा, उसमें 6-7 साल बोन चाइना क्रॉकरी बनाई जी, जी, 92 से 98 तक बिल्कुल। अच्छा, एंड 98 में उससे बीच में करीब VSNL एक कंपनी हुआ करती थी सरकार की, VSNL जो सरकारी इंटरनेट प्रोवाइड कराती थी जी। अच्छा, बट इट नेवर यूज्ड टू वर्क एंड आई वाज ऑल्सो ए इंटरनेट यूजर। अच्छा जी, तो मुझे लगा यार इंटरनेट है, अच्छी चीज है, सुना है इसके बारे में, तो ले लेते हैं। हमने ले लिया, 15,000 रुपए में 100 घंटे का इंटरनेट कनेक्शन आया करता था जो टेलीफोन से चलता था, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड नेवर वर्क्ड। सो Then I saw an ad of a company जी। जिसने कहा कि आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा कि यार 20 लाख रुपए मांग रहे हैं, 250 स्क्वायर फीट एयर कंडीशन स्पेस मांग रहे हैं, अपन बन जाते हैं और कुछ नहीं होगा तो अपने लिए अच्छा इंटरनेट तो मिल ही जाएगा। अच्छा बिल्कुल, दोस्तों को भी दे देंगे और खुद भी दे देंगे, बिजनेस तो मैं कर ही रहा था जी। जी। और एक नई टेक्नोलॉजी में घुस जाएंगे, तो आई अप्लाइड फॉर इट एंड दे कॉल्ड मी फॉर मीटिंग एंड आई व्हेन आई वेंट देयर देयर वर जयपुर के जो नामी ग्रामी लोग होते हैं सब वहाँ बैठे हुए थे जी। जिनको हम देखते थे कि यार उनका अखबारों में नाम पढ़ते थे, फोटो देखते थे जी। तो मैंने सोचा अपना क्या नंबर आएगा, मैं घर चला गया वापसी बिना मिले हुए। अच्छा, वापसी एंड
शाम को उनका कॉल आया कि आप आए नहीं। मैंने कहा इतने लोग बैठे हुए थे, मैंने सोचा क्या करूँगा मिल करके। तो बोलते हैं डिनर पे मिलते हैं, तो आई मेट देम ओवर डिनर एंड ऑन डिनर दे सेलेक्टेड मी टू बिकम देयर पार्टनर। अच्छा, क्या बात। सो पार्टनरशिप की बात हो रही थी एंड रात को हम 11 बजे ऑफिस गए। एज आई टोल्ड यू वी वर डूइंग अवर बिजनेस, दे वांटेड सम अमाउंट चेक। अच्छा, एंड दे गिव मी एग्रीमेंट विच वॉज अ डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट। सो डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप में तो बहुत फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। सो देन आई रिफ्यूज्ड टू बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर, बट चूंकि उन्होंने सेलेक्ट किया तो मुझे लगा कि यार कुछ तो है, कुछ अपने तो में है। जी। ये मेरे से ही काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो एम आई थिंकिंग समथिंग राइट? तो मैं उनको पीछे पढ़ा रहा लेकिन पिछले 5-7 रोज तक। और फिर उन्होंने एक रोज गुस्से में आकर के, बच्चा था मैं, 25 साल की एज थी तो मैं भी हो सकता है कुछ ज्यादा ही पीछे पड़ाऊंगा आई थिंक। तो उन्होंने मेरे को बोला ये तेलियों का धंधा नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बिजनेस है, हमारा पेरेंटल बिजनेस है ऑयल का। जी जी। तो अच्छा, मेरे फादर देखते हैं हम तो तेल का बिजनेस देख के ही बड़े हुए हैं। सो बोले, तो मैंने कहा यार तेलियों का बिजनेस से मतलब क्या है इसका, वह ऑयल पीपल कैन नॉट डू। तो आई कुड नॉट स्लीप ऑन दैट नाइट एंड आई टोल्ड माई फादर दैट आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, कैन वी डू इट? And then I called them again. जी। You have one day to finalize the partnership or face competition. We will start. क्या बात है? And by the way, this company do not exist today. We do. अच्छा। जी। बहुत खूब। और आपके फादर ने आपका पूरा साथ दिया? Yeah, पूरी फैमिली, अंकल भी थे हमारे, सब लोग joint family थी। जी। सबों ने पूरा सहयोग किया, सबों ने सहयोग दिया एंड वी आर राजस्थान्स लार्जेस्ट आईटी कंपनी एज यू नो। जी। एंड दैट कंपनी टुडे डू नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल। बहुत खूब, इतना तगड़ा कंपटीशन दिया आपने। और बहुत आपने अलग करके भी दिखाया कि जो फर्स्ट टाइम प्राइवेट इंटरनेट जो लेकर के आए वो First आप लेकर के आए थे। तो बहुत कुछ अलग करके दिखाया। वो मोमेंट कैसा था, वो कितना आपके लिए मुश्किल रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना तगड़ा कॉम्पिटिशन आपने दिया, बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ी होंगी इस पूरे सफर के दौरान, कितना मुश्किल रहा स्टार्टिंग में आपके इसमें लिए? बहुत ही मुश्किल था। आप इसको इस तरह से सोचिए कि वो कंपनी राजस्थान में नहीं थी, तो वो कंपनी चेन्नई में थी और हम राजस्थान के पहले करने जा रहे थे एंड ये बिजनेस पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। जी। तो आप ये सोचिए कि आपको पहला टेलीविजन चैनल खोलना है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो आपको ये भी नहीं पता होता है कौन सा कैमरा आएगा, कौन सा लाइनमैन होगा, कौन सा कैमरामैन होगा, उसको क्या आना चाहिए, Nobody knows, क्योंकि ये बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपको सब कुछ खुद सीखना है और सिखाना है। एक ऐसा बिजनेस चालू करने जा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है पहले। तो आपको हर मैन पावर को सिखाना भी है और खुद भी उस मैन पावर के शू में जाके सीखना भी है। सो दैट वॉज वेरी टफ टाइम इन द बिगनिंग। देर वॉज 3 days, 5 days, 7 days when we have not gone home. लगातार इन ऑफिस। जब सर्विस चालू कर दी और आपको आता ही नहीं है तो अगर वो प्रॉब्लम है तो सॉल्व तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और आप लगे रहो उसके अंदर, आपको आंसर ही नहीं पता क्या है उसका। नोबडी इज देयर टू गाइड यू आल्सो। तो आप ही करना है, तो गलती करिए सीखिए फिर आपकी टीम को सिखाइए, फिर टीम में से कोई चला गया फिर नई टीम को सिखाइए। फिर से मुझे पता है पहली दिवाली पर कस्टमर केयर पर मैंने ही पूरी दिवाली निकाली कस्टमर केयर पर बैठ के। अच्छा। तो मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि दिवाली पे तो कोई आएगा ही नहीं। और वो दिवाली वाले रोज मैंने देखा कि कस्टमर के मेरे पास कॉल आ रहे हैं। क्यों, कस्टमर केयर पे तो कोई आया ही नहीं है, तो क्यों नहीं आया, सब दिवाली पे गांव चले गए। अच्छा, तो आप नहीं बैठ के पूरा काम? पूरा दिन बैठ के सारे कस्टमर केयर पे कॉल्स मैंने ही अटेंड किया। सो बड़ी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं कि बट आई एंजॉय इट। बिल्कुल। तो एक बात बताएं कि ये जब शुरुआत हुई इंटरनेट की तो इसका फ्यूचर किसी को नहीं पता था, इसकी मतलब इसका होना भी बहुत कम लोगों को पता था, टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। तो आपका यकीन कैसे इस पे बिल्डअप हुआ कि ये मैं इसको आगे ले जा सकूंगा और ये आगे जाके दुनिया के लिए काफी काम आने वाली है चीज? गट फील होती है ना एक। बिल्कुल। बहुत चीजें गट फील पे होती हैं, उसका कोई साक्ष्य नहीं होता आपके सामने कि ये होगा नहीं होगा, यू हैव टू ट्राई इट। तो दुनिया में जो भी चीज पहली बार ट्राई की जाती है वो गट फील पे की जाती है। जी। तो आपको गट फील होती है कि यार एक कोई ऐसी चीज जो सारे संसार को कनेक्ट करेगी, आपकी इच्छा पर होगा कि आप चाहे जब कहीं पे भी कम्युनिकेशन कर पाएंगे। उस वक्त ईमेल ही एक ऐसी एप्लीकेशन हुआ करती थी जो सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन हुआ करती थी 1999। तो मोस्टली यूज इंटरनेट को यूज करते थे ईमेल के लिए। तो ईमेल एक ऐसी चीज थी
कि आप यहाँ से बैठे बैठे फैक्स करते थे, राइट right? तो फैक्स कर रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, टेलीफोन बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे, ईमेल फ्री में जा रही है आपकी जी, यहाँ से अमेरिका में, वो भी कलर्ड, इस तरह से सोचते थे कि यार मेरा तो फैक्स की जगह है पिक्चर भेज दो, वो भी कलर्ड चली गई, बिल्कुल, दैट यूज्ड टू बी द डिस्कशन एट दैट टाइम. तो आज तो इसको टेक इट ग्रांटेड मांगते हैं, वीडियो भी भेज दो, सब कुछ ही भेज दो आप, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल. उस वक्त ये सिचुएशन होती है, टेलीफोन पे होती थी, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, फोटो डिजिटल कैमरा नहीं हुआ करते थे, वी ऑल नो दैट, इट यूज्ड टू बी अ कोडेक रोल, बिल्कुल, तो पहले फोटो खींचिए, उसको 31 की रील आती थी, उसको धुलवाइए, धुलवा करके लाइए, फिर उसको स्कैन कीजिए, स्कैन करके पिक्चर बनाइए, फिर उसको मेल करिए, तो एक लंबा प्रोसेस हुआ करता था. आज तो फोटो खींच के कुछ नहीं है, आपको व्हाट्सएप पे भेज दो आप दुनिया में कहीं पे भी, वाकई में, वाकई में. सो द होल वर्ल्ड हैज कंप्लीटली चेंज्ड जी, बट इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेट जी. तो जब आपने शुरुआत करी तो ऐसा होता था कि आप घर पे लेकर जाते थे चीजें और वहां पर सबको सिखाते थे, और कितना सीखना हुआ करता था, कौन इंटरेस्ट होता था, whole, नहीं होता था, ऑब्वियसली एंटायर फैमिली को इसमें इंटरेस्ट आने लगा, टेक्नो सेवी कर दिया सब लोग, ऑब्वियसली जो पहले बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते थे सब लोग अब उसमें हैं, इंक्लूडिंग माय सिस्टर्स, इंक्लूडिंग माय वाइफ हु वाज नॉट इंटरेस्टेड. मुझे ध्यान है वाइफ का कि जब पहला ब्लैकबेरी आया तो मैंने दिया, तो उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या दे दिया, मेरे को इतना डिफिकल्ट फोन दे दिया, एंड देन आफ्टर वन मंथ शी वाज नॉट रेडी टू लीव. अब हर 6 महीने में नया फोन चाहिए. सो बेसिकली ये लाइफ, बिकॉज यू आर नाउ टेक्नो सेवी, यू वांट टू यूज न्यू थिंग, शेर के मुंह खून लग गया, यू वांट टू यूज न्यू थिंग, यू वांट टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी, यू वांट टू एंजॉय न्यू फीचर्स व्हिच आर कमिंग, आप देखते हो सुनते हो तो अब आपको मजा आता है उसको यूज करने में. अच्छा, वो टाइम कैसा होता था जब फर्स्ट टाइम आपको टेक्नोलॉजी आपने अपने पेरेंट्स को बताई, आपकी फैमिली को बताई, और एक ये सुनने को मिलता था कि यार ये टेक्नोलॉजी आप लेकर के आए हैं, कैसा होता था वो मोमेंट? मेरे ख्याल से मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था, पेरेंट्स को भी अच्छा लगता होगा, प्राउड लगता होगा, बोलते कम है लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा लगता होगा सबको कि उनका बच्चा, मुझे भी तो अच्छा लगता है कि अगर मेरा बेटा कुछ करके आता है, कभी वो फर्स्ट आता है तो मुझे लगता है हाँ, ही इज ऑन अ राइट पाथ, ही इज स्ट्रगलिंग, ही इज एबल टू अचीव समथिंग. मेरे ख्याल से सेम फीलिंग पेरेंट्स को भी आती होगी, उनको भी अच्छा लगता होगा, और हमने तो बहुत कुछ किया है, करते आए हैं, कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज ना करें कि जो गलत लगे, ऐसी लगे कम से कम बुरा तो ना लगे, कोशिश यही करते हैं. और टेक्नोलॉजी इज वन फील्ड वेयर एवरी डे इज न्यू जी, हर रोज ही कुछ नया है, पुराना नहीं है. कि अगर मैं आज 99 की बात करूं, 99 में जो सर्वर्स मैंने खरीदे थे वो आज हमारे यहाँ किलो के भाव बिकते हैं. अच्छा जी. जो 20 लाख रुपए में खरीदा था दैट विल बी सोल्ड इन पर केजी, कैन यू बीट दैट? तो वो टेक्नोलॉजी इज़ ओवर, उसके बारे में डिस्कशन किया भी नहीं जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता उसको. बिल्कुल बिल्कुल. टेलीफोन पे होता था, आज 2 MB का, एक आपको उदाहरण देता हूँ, 2 MB लीज लाइन, इंटरनेट लीज लाइन होती है जी जी, 2 MB लीज लाइन जो है उसकी कीमत 99 में 1,20,00,000 रुपए थी, आज उसकी कीमत है 1,00,000 रुपए. 1,20,00,000 रुपए में खरीदा था वो सामान मैंने, जो आज 1,00,000 रुपए में मिलता है जी, तो आज उसका कंपैरिजन कंप्लीटली खत्म हो चुका है, इरेलेवेंट हो चुका है कंप्लीटली. बिल्कुल बिल्कुल. आज भी आप टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और एक नई चीज आप लेकर आए हैं, अभी अभी आपने लॉन्च किया है, और उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी है सबसे पहले तो. और आप ये चीज लेकर आए हैं कि हिंदी भाषी लोग जो है, या 8 languages में आपने एक्चुअली इसको लॉन्च किया है कि ईमेल आईडीज जो है उन 8 languages में भी लोगों को मिलेंगे, इसके बारे में जरा बताएं, काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये. भारत सरकार ने, जो करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने डिजिटल इंडिया के माध्यम से .bharat domains की शुरुआत की जी. अच्छा, ये आप दूरदर्शिता कहें सरकार की, बहुत बड़ी बात है ये कि .bharat, जिसकी सोच हमारे पास नहीं थी लेकिन सरकार के पास थी, उन्होंने ही ये दिशा दी हमको कुछ करने की एक्चुअली. अच्छा अच्छा अच्छा. तो उन्होंने .bharat डोमेन, तो आज आप दूरदर्शन.bharat डोमेन नेम ले सकते हैं जी जी, आप neha.bharat ले सकते हैं, लाइक दैट अपना खुद का डोमेन नेम बना सकते हैं और फ्री में बना सकते हैं, सरकार इसका चार्ज भी नहीं कर रही है जी जी. तो एक वेबसाइट है godil.in, उस पे जा करके आप अपना फ्री डोमेन बना लीजिए सरकार की तरफ से, किसी को पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, आप खुद मालिक बन जाएंगे अपने नाम के जी. neha.bharat जी जी, mehjabeen.bharat सॉरी, एंड
आप खुद मालिक बन गए अपने खुद के नाम के, खुद के ब्रांड के इस देश में जी, फ्री जी। उस पे ईमेल अगर चाहिए तो ईमेल हम दे सकते हैं। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, बिल्कुल संसार में किसी के पास नहीं है। ये बड़े गर्व की बात है जो हमारी टीम ने किया है, और राजस्थान से है, जयपुर से है, मेड इन इंडिया स्टोरी है, डिजिटल इंडिया स्टोरी है, जिसके अंदर हमारी सरकार के दिशा निर्देशानुसार उस डोमेन के ऊपर ईमेल प्रोवाइड करना के काम टेक्नोलॉजी हमने बनानी चालू की। ये काम पूरे वर्ल्ड में हो रहा है जी। रशिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, यूएई भी कर रहा है, सब कंट्रीज कर रही हैं, लेकिन इसमें भारत ने बाजी मारी हमारे द्वारा, तो ये बड़ी बात है। तो हमने एक सुविधा लॉन्च की जिसको बोलते हैं डाटा मेल ऐप, फ्री अवेलेबल है। आप अपने लिए उर्दू से लेके हिंदी तक किसी भी भाषा में आप अपने लिए ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी एंड्रॉयड फोन पर, किसी भी आईओएस फोन पर अवेलेबल है। 8 भाषाएं हैं इसमें, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, बंगाली, पंजाबी, उर्दू एंड मराठी। अच्छा। ये 8 लैंग्वेजेस हैं जिनमें भारत सरकार डोमेन दे रही है और उनमें हमने चालू कर दिया है। हमने साथ में 3 देश विदेश को बताने के लिए कि भाई हम आपसे आगे आ गए हैं, हमने 3 लैंग्वेजेस और चालू कर दी हैं, रशियन, चाइनीज एंड अरेबिक, उनके लिए भी कर दी है। तो उनके देशों में नहीं है वो भी, हमने दे दिया, हमसे ले लो आप जी, हम आपसे हैं आगे। बहुत और अभी कल मैं हैदराबाद में था, आईकैन एक संस्था है जी, आईकैन वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी कहेंगे या इसको जिम्मेदार संस्था बोलेंगे, जो सारे इंटरनेट के DNS सर्वर जो होते हैं उसको चलाने का जिम्मा संभालती है। DNS सर्वर होता है जो आपके डोमेन नेम को ये बताता है कि कहाँ होस्टेड है। अच्छा जी। ये प्राइमरी काम है, तो इंटरनेट कंट्रोल करते हैं एक तरह से, ये मान लीजिए बेसिकली। हाँ, ये काफी बारीकियों का काम, बारीकियों का काम हो गया। हाँ। पूरा इंटरनेट कंट्रोल करते हैं आईकैन। अच्छा। तो उन्होंने मुझे को बुलाया था स्पीच देने के लिए, सो इट वाज वेरी गुड फील दैट इंडिया वाज लीडिंग इन दैट डायरेक्शन। एंड उसके अंदर आपको टेक्नोलॉजी दिखाने का मौका मिल रहा था, इंडिया को वाई वाई मिल रही थी। बड़ा अच्छा महसूस होता है जब देश को अपने को बिल्कुल जगह मिलती है और रिकॉग्निशन मिलता है। बहुत खूब, बहुत ही खूब। और आप उसमें कुछ हिस्सा हैं उसके, तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है जी। वाकई में काफी बड़ा हिस्सा। अच्छा अजय जी, एक ये बात है दिमाग में, ये सवाल काफी चलता आ रहा है कि आपका पूरा नाम है डॉक्टर अजय डाटा, तो आपका जो ये नाम है, आपका जो सरनेम है, ये आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिला है या आपने ये नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दिया है? विदेश वाला क्वेश्चन पूछा है मेरे से। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं ये कि आप, मेरी कंपनी का नाम है डाटा इंफोसिस, एज यू नो दैट, तो विदेशों में सब लोग ये पूछते हैं कि आपको नाम आपकी कंपनी का इतना अच्छा लगता है कि आपने अपना सरनेम ही चेंज कर लिया है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। डाटा इज ए फैमिली नेम, इट्स इन जनरेशंस, पेरेंट्स का सरनेम है, फैमिली का सरनेम है, वो मुझे मिला है। अच्छा। और हम डाटा बोलते हैं कंप्यूटर में, तो उसको डेटा बोलते हैं, DATA, इट इज स्पेल्ड सेम बट इट इज डाटा, सो विच इज ए वेरी गुड डिस्कशन पार्ट। तो मैं कई कस्टमर्स को बोलता हूँ, देखो मुझे बिजनेस दे दो, मैं भगवान ने भेजा है मेरे को डायरेक्ट, बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, जोड़ी बना के भेज दियो ऑलरेडी। तो डाटा का बिजनेस देना है तो सिर्फ मुझे और कोई नहीं है, और कोई नो कंपटीशन। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ऐसा एक बात बताइए कि ऐसे बिजनेस आया भी है, क्योंकि लोग फिर काफी प्रोफेशनल समझते होंगे कि इनका तो नाम ही टेक्नोलॉजी के लिए समर्पित हो चुका है। नॉट रियली, कोई नाम से नहीं देता पैसा, ये तो आपको बिल्कुल, यू हैव टू शो योर कैपेबिलिटी। हाँ। मतलब आप नरेंद्र मोदी नाम रख लो तो प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बनोगे, बेसिकली नाम से थोड़ी बन जाएगा। बिल्कुल, यू हैव टू हैव दैट नरेंद्र मोदी इज कैपेबिलिटी टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, तो नाम से कुछ नहीं मिलेगा आपको, सीट पे बैठना पड़ेगा, कंपटीशन फाइट करनी पड़ेगी, आपको आंसर्स देने पड़ेंगे, डेमोंस्ट्रेशन देना पड़ेगा, प्रोडक्ट आपका उस तरह से चलना चाहिए। बिल्कुल। और हर रोज खरा उतरना चाहिए, तभी वो कंटिन्यूड रोज रहेगा। बिल्कुल। तो आज 17 साल हुए हैं हमारे को, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चालू करना बहुत आसान है, कुछ भी चीज बहुत आसान है, थोड़ी सक्सेस भी आसान है बहुत, पहले 2 कस्टमर बोलते हैं, बनाए रखना मुश्किल, उसे कंटिन्यूड बनाए रखना, कंटिन्यूड ये विश्वास जगाए रखना, लोग आपको बुलाते रहे, लोग आपसे बात करते रहे, लोग आपकी सर्विस लेते रहे, ये बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत डिफिकल्ट है, वाकई वही आपको करना पड़ता है। जी जी, जी। इसी बात पे ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपने इतनी मेहनत करी इतने सालों से, लेकिन आप हार्डवर्क सक्सेस के लिए, हार्डवर्क और किस्मत, कितनी कितनी परसेंटेज का आप श्रेय देते हैं कि कितना परसेंट हार्डवर्क और कितना परसेंट किस्मत काम करती है?
इसका आंसर स्ट्रेट नहीं है, ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, कभी किस्मत हावी होती है, कभी हार्डवर्क हावी होता है। अच्छा, तो ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि खाली हार्डवर्क करते रहो तो किस्मत का नहीं, और किस्मत पे छोड़ दो घर जाके बैठ जाओ तो भी काम नहीं चलेगा। तो आपको ये किस्मत के, किस्मत को साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है, होना चाहिए कि किस्मत भी है आपके साथ। सो फॉर दैट यू हैव टू प्रे, और आपका उसको रास्ता नहीं है कि किस्मत आपके साथ रहे। बिल्कुल। बाकी कहावत तो ये है कि द मोर हार्ड वर्क यू डू द मोर लकियर यू गेट। वाह वाकई, क्या बात कही, वाकई में सही बात है। तो आई बिलीव इन दैट। क्या यही रीजन है कि आपने इतने सारे कोर्सेज जो हैं वो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि आप कैसे कर पाए, और शुरुआत आपकी बहुत जल्दी हुई, आपने 25-26 साल की उम्र में अपने करियर की, अपने बिजनेस की शुरुआत कर दी इनफैक्ट, और उसमें भी आपने इतनी सारी पढ़ाई है कि आपने साथ ही साथ पीएचडी किया, एमबीए किया, आपने कॉलेज भी किया, इंग्लिश भी सीखी, आपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया, एंड देन जो आपकी वाइफ कर रही हैं प्राणिक हीलिंग, वो भी आपने उसमें भी कोर्स किया है, तो ये सारी चीज़ों का आपको वक्त कैसे मिला और ये कब कब होती गई? फैशन डिजाइनिंग के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि उसमें किस तरीके से। फैशन डिजाइनिंग की थोड़ी फनी पार्ट है जी। हाँ। जी, तो ये ग्लास फैक्ट्री में काम कर रहा था जी, जी। तो दिस फैक्ट्री हमने मिली हमको क्योंकि ये सिक यूनिट थी। अच्छा। चल नहीं रही थी जी। तो हमने खरीदी थी कि हम इस पे काम करके उसको प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करेंगे। अच्छा। तो इस जिम्मे के साथ उसको उठाया, तो ये स्ट्राइक हुआ करती थी इस फैक्ट्री के अंदर। अच्छा। जब हमने ली तो स्ट्राइक में ही थी, लेबर स्ट्राइक कर रही थी, टाइम बहुत हुआ करता था। मैं रहा करता था बनी पार्क और ये थी टोंक रोड पर जी, और उस जी, वक्त जंगल हुआ करता था भाई दी भाई। अच्छा। टोंक रोड पे जो पुलिया है वो भी नहीं हुआ करता था, यहाँ पर फाटक हुआ करता था। अच्छा, अच्छा। मैं उस समय की बात बोल रहा हूँ, सांप मिला करते थे रोड पर। कौन से साल की बात है? 1992। अच्छा जी। अच्छा, आई वॉज 20, आई वॉज माई 73 बॉर्न, सो यू कैन से आई वॉज नॉट इवन 20। अच्छा, ओके। एट दैट टाइम दिस कंपनी वाज टेक ओवर व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग, सो मैं 25 पे चालू नहीं किया, मैंने 20 पे चालू कर दिया। 20 पे बेसिकली आपने काम शुरू कर दिया। एंड द पैशन वाज टू वर्क बेसिकली, पर लगाव था मे बी ये मान लें अपन जी। और सड़क पे सांप भी देखे हैं मैंने टोंक रोड पर, वो टाइम था जी जी। एंड उस वक्त में आप ये देखिए टाइम बहुत हुआ करता था क्योंकि सिक यूनिट थी जी जी। तो टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैंने रास्ते में बोर्ड देखा कि ये फैशन डिजाइनिंग का है। अच्छा अच्छा। और मेरे दोस्त थे कुछ, वो फैशन डिजाइनिंग में गारमेंट एक्सपोर्ट में कुछ अच्छा काम कर रहे थे, कुछ अच्छा कमा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ये भी सीख लेते हैं, इसका काम करेंगे, ये तो सीख रहती है। अच्छा जी। तो बाय द टाइम आई डिड माय कोर्स, वो बिजनेस वाज नॉट डूइंग वेरी वेल एक्सपोर्ट, बट अवर सिरेमिक यूनिट गॉट बेटर। अच्छा। सो कोर्स किया किसी और पर्पज से था, तो वो आ तो गई ट्रेनिंग, लेकिन मैंने फिर कंटिन्यू करा सेरामिक्स में ही। अच्छा। करा इसलिए था कि गारमेंट का कुछ कर लेंगे जी 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 जी। और दिस ये कंपनी तो बंद पड़ी हुई है, कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी पता नहीं है जी। एंड देन क्योंकि काम तो वहां पे भी लगा रहे थे, यहाँ तो 2 घंटे रोज जाना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई ऑलवेज बिलीव दैट यू हैव टू प्रायोरिटाइज व्हाट टू डू। आपका हमेशा समय है जी, कि आपको मूवी देखना है, आपको दोस्तों के साथ सड़क पे जाके खड़ा होना है, चौराहे पे जाके खड़ा होना है, मॉल में जाके खड़ा हो जाना है। आई हैव नेवर डन इन माय लाइफ। अच्छा। नॉट इवन अ डे। तो ये कभी करा नहीं, कि मेरे को लगता था वेस्ट ऑफ टाइम ही है, बेटर है कुछ किसी के घर चले जाएंगे तो बैठ लेंगे उसके साथ, या कुछ पढ़ लेंगे जी, कुछ स्टडी कर लेंगे, फैक्ट्री चले जाते हैं जी। तो दिस इज हाउ आई हैव बीन। कॉलेज में भी ऐसा ही रहा आपका मामला? वो कॉलेज के दोस्तों के साथ कैंटीन में गपशप और वो सब कभी नहीं? मेरा ये ठीक है, 5-10 मिनट इज ओके, बट आई विल नॉट स्पेंड 3 आवर्स फॉर दैट जी। दैट इज द डिफरेंस। इन्वेस्टमेंट वाकई ये नहीं है कि आपको 3 घंटे तक, आप मैंने देखा है कुछ दोस्त लोग गौरव टावर जाके खड़े हो गए 2 घंटे, या किसी कॉलेज के बाहर जाके, गर्ल्स कॉलेज के बाहर जाके खड़े हो गए, या चाय की थड़ी पे जाके खड़े हो गए। नेवर जी, नेवर अट्रैक्टेड मी जी, जा करके इससे बेटर है जाके कुछ काम ही कर लें। बिल्कुल, बहुत या कुछ पढ़ लें या कुछ कोर्स ज्वाइन कर लें, बेटर टू ज्वाइन। दैट्स द रीजन आई कुड डू सो मेनी थिंग्स। कि आपको 2 घंटे का टाइम मिल रहा है तो अब यू हैड अ चॉइस, कि फैक्ट्री बंद पड़ी है, 2 घंटे का टाइम मिल रहा है तो चलो कॉलेज चले जाते हैं, कैंटीन में बैठ जाएंगे, टाइम पास करने के लिए कुछ भी कर लो, बट यू ज्वाइन अ कोर्स। दैट इज द डिफरेंस। सो आई एनकरेज एवरीवन कि आपको जब टाइम हो तो उसको कंस्ट्रक्टिव यूज कैसे करना है ये सोचना चाहिए, रादर कि इसको किल कैसे करना है। लोग सोचते हैं कि इसको टाइम को निकालें कैसे, यूज पुट इट इन कंस्ट्रक्टिव यूज।
तो मैंने आई थिंक 4-5 ईयर्स तक आई हैव नॉट सीन एनी मूवी व्हेन आई वाज वर्किंग. नो सिंगल मूवी. तो माय वाइफ तो मेरे से पूछती है कि आपने किया क्या. वो तो जो भी मूवी पूछती है मैंने देखी भी नहीं होती है. तो पूछती है आपने किया क्या. हाँ, शोले देखी नहीं देखी. ये कौन सी वही बहुत सारी मूवीज पूछती है. आई हैव नॉट सीन व्हाई. तो नाउ आई सी एक्चुअली मोर मूवीज देन आई सॉ इन माय. तो ये वाइफ के सवाल की वजह से या वक्त मिल पाता है इस वजह से. दोनों दोनों टाइमिंग्स भी हो गए हैं. पहले यू नो देयर आर ओनली 3 शोज. वाकई 11 बजे 10:30 बजे शो ही नहीं हुआ करता था. सही बात. अब आपके पास 10:30 बजे का शो है तो यू हैव ऑड टाइम्स टू द शो अवेलेबल. तो यू कैन गो व्हेन एवरीबॉडी हैज स्लेप्ट. देयर इज नो वर्क. आपको भी सोना ही है. तो ठीक है सैटरडे को चले गए. अच्छा इसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आपको पार्टीज वगैरह का भी शौक नहीं है. आप ज्यादा कहीं जाते नहीं है. इसके पीछे क्या रीजन है. मतलब अब तो आपके पास टाइम भी है. ऐसा नहीं है. आई एम नॉट एंटी सोशल बट आई कम बैक अर्ली. सो आई एम आप देखोगे जितनी पार्टीज नॉन ड्रिंक होती हैं वो कोई पार्टी 12 बजे से लेट नहीं चलती है. जी, किसी भी पार्टी को देख लीजिए आप. बिल्कुल 12 बजे से पहले खत्म हो जाएगी पार्टी जिसमें ड्रिंक्स नहीं होते हैं. एंड आई एम आई डोंट ड्रिंक एट ऑल. तो मैं जनरली कोई भी पार्टी हो 12 बजे घर आ जाता हूँ. अच्छा अच्छा. आई डोंट जनरली स्टे बैक. जी टाइम के बहुत पंक्चुअल है. पंक्चुअल नहीं हो करोगे भी क्या वहाँ पर आप. अच्छा, सब ड्रिंक कर रहे हैं. अच्छा जी. तो वो कोशिश यही करते हैं कि टाइम पे घर पहुँच जाएं. सो टाइम से उठ जाएंगे, टाइम से ऑफिस ले जाएंगे. जी. बाकी एंड तो एट द एंड ऑफ द डे पार्टी डजंट वर्क. जी. आपको कितनी देर किसी के साथ निकालना है वो 15 मिनट निकालो या 2 घंटे निकालो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग. चलिए ठीक है. तो इसी के साथ हम आपको एक वादा देते हैं कि अभी हम आपको जहाँ लेकर जा रहे हैं वहाँ पर आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी और आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा. इसी के साथ हम आपको लेकर जाते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट में पधारो हमारे देश. आइए चलें. जी हाँ ये धरती तो है पर कुछ और है. ये है रंगीला राजस्थान. राजस्थान का नाम लेते ही इतिहास मानो आंखों पर चढ़ाता है. किले, गढ़, दुर्ग और उनसे जुड़ी वीरता की कहानियां, खनकती तलवारें, मेघ गर्जन सी घोड़े की टापें और धधकती ज्वालाओं का जौहर. राजस्थान का नाम लेते ही साकार होने लगती है यहाँ के वीरों और वीरांगनाओं की ओजस्वी गाथाएं. पन्नाधाय के त्याग और बलिदान की भूमि, महाराणा प्रताप की आन बान की धरा, पद्मिनी के सौंदर्य और मीरा की भक्ति. अनूठी है राजस्थान की संस्कृति. जितना सुरम्य यहाँ का परिवेश है उतना ही सरस और सजीला है यहाँ का सांस्कृतिक वैभव. कहीं मेले उत्सव और तीज त्योहारों की उमंग है तो कहीं कलाकारों द्वारा चित्रित जीवन के विविध पहलू सहज ही मन को छू लेते हैं. कहीं लोक कलाओं का उजास है तो कहीं धोरों पर गूंजती कलाकारों की स्वर लहरियां, वाद्य यंत्रों का सुरीला संगीत और नृत्य की मोहक कथाएं मिट्टी की सौंधी महक से अनायास ही साक्षात्कार कराती हैं. Oh,
एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सुप्रभात धरती धुरारी के मंच पर। और बातचीत का दौर चल रहा था डॉक्टर अजय डाटा जी के साथ। सर आप मुझे बताइए, इसे अभी इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बहुत सी बातें की, बहुत सी चीज़ें जानी जो आपने हम लोगों को दी। इसी के साथ आज के यूथ की बात करें जो आईटी सेक्टर से जुड़ना चाहता है, तो नॉर्मली कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक के पीछे क्या सिर्फ देख करके इस सब्जेक्ट को ले लेते हैं। आप बात करें उनके फ्यूचर की, तो आप कहाँ तक उनका फ्यूचर देखते हैं उन स्टूडेंट्स का जो इस सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं? कॉपी करने वाले को कुछ नहीं मिलता है। जी, मेरी ख्याल से आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए खुद को पहले कि आपको क्या अच्छा लगता है करना। फादर डॉक्टर हैं तो जरूरी नहीं है आपको डॉक्टरी सूट करेगी, या आपको इंजीनियर तो इंजीनियरिंग सूट करेगी। लाइक हमारा ऑयल का बिजनेस था, पेरेंटल सरामिक किया, लेकिन मेरी ख्याल से चाह कुछ और थी। और वो फिर अगर आपके सामने आती है तो फिर आपको झुकना नहीं चाहिए करने में। बिल्कुल। अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो फिर उसको आप परसू करें। कोई कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहेगा, कोई क्या करेगा, उससे आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं होती है। जी। तो मेरी ख्याल से एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ़ यू लव योर वर्क यू नेवर नीड टू वर्क इन योर लाइफ। वाकई सर, बहुत खूब। वाकई हर दिन आपके लिए एक हॉबी की तरह हो जाता है कि आप उस शौक को पूरा करते हो। इसलिए मैंने कहा कि मेरे को काम करने में मज़ा आता है, काम तो मेरे को थकान कभी महसूस नहीं होती। जी। तो चाहे मैं रात को 3 बजे उठ के काम कर रहा हूँ या पूरी रात काम कर रहा हूँ, रात को आपको पता है मैं कितने बजे आया हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर आया हूँ बिकॉज आई एम नॉट टायर्ड। टायर हो सकता है बॉडी हो भी रही हो, मुझे महसूस नहीं होता है। जी। तो वही है, अगर काम को प्यार करते हैं तो थकान नहीं होती। थकान नहीं होती है। तो व्हाट यू लव टू वर्क देन यू नेवर फील टायर्ड। बट इसी फील्ड में हम फ्यूचर की बात करें तो क्या भविष्य है, कितना एक लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस लाइन में? बहुत अच्छा भविष्य है ये, एक इंटेलेक्चुअल लाइन है और इसमें आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। आप पूरे वर्ल्ड को रूल कर सकते हैं इसमें, इसी लाइन में कैपेबिलिटी है। जी, जैसे मैंने डाटा मेल के बारे में बताया आपको, वर्ल्ड में आप सोच सकते हैं कि वर्ल्ड में किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो जयपुर से कोई कर सकता है। ये सोचने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा कि कम इंडिया से हम ऐसा काम कर पाएंगे जो वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया है, लेकिन हमने किया है। इफ यू लव व्हाट यू वांट टू डू तो फिर आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा। हम सब लोगों में ये कैपेबिलिटी है, आप में भी है, मेरे में भी है और जो सुन रहे हैं उनमें भी है, तो ये आइडेंटिफाई करना कि उनको क्या अच्छा लगता है और उसको परस्यू करना। जी। अगर जी। आपने ये निकाल लिया कि आपको क्या अच्छा लगता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है जी। ये निकालना कि क्या अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप मन से इस काम पे लगोगे तो निकल जाएगा जी। और फिर आप उसको परस्यू करिए, कोई आपको नहीं रोक सकता है वर्ल्ड में वर्ल्ड लीडर बनने के लिए। अपन अगर बात करें उबर कार है, दैट पर्सन डिड नॉट हैड मनी इवन टू बिल्ड द मोबाइल ऐप। बिलियन डॉलर से ऊपर की कंपनी हो गई है, फ्यू बिलियन डॉलर्स जी ये कंपनी हो गई है। ये आप टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी आपको वर्ल्ड को एक करती है, टेक्नोलॉजी आपको लेकर के जा सकती है उस जगह पर जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता। आपको सप्लाई का काम करना है फिजिकल, जहाँ पर लिमिटेशंस हैं वहाँ पर आपको लिमिटेशंस ही रहेंगी। टेक्नोलॉजी सब चीज़ को अक्रॉस कर देती है, वहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। और आज की तारीख में इंटरनेट का युग है, मोबाइल ऐप्स का युग है। तो जैसे मैंने बताया डाटा मेल ऐप बनाई हमने, हमारे वर्ल्ड में कोई भी यूज कर सकता है। कोई रोकना, आप रेस्टोरेंट खोल लीजिए कैसे करेंगे उसको पूरा वर्ल्ड यूज, होटल खोल लीजिए 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर। हम फ्यू लाख रुपीज लगा करके यू कैन सर्व द होल वर्ल्ड। बिल्कुल जी। आप अच्छा गाना गाती है मान लीजिए, तो यू कैन सिंग अ सॉन्ग टुडे योर सेल्फ, गेट इट रिकॉर्डेड इन फ्यू थाउजेंड रुपीज, अपलोड ऑन यूट्यूब, यू कैन टेस्ट हाउ पीपल आर लाइकिंग इट। बिल्कुल। आपको कहीं जाने की दरकार नहीं है, ये टेक्नोलॉजी आज आपको प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। और अगर कोई लोग चाहते हैं तो हम देखते हैं कि एक कोई जना गाना गा रहा है, मिलियंस ऑफ लाइक मिल जाते हैं उसको, मिलियंस ऑफ व्यू करते हैं, तो आप ओवरनाइट यू कैन स्टार। यू डोंट नीड ए लॉन्च पैड, you yourself can launch yourself। जी, आप मोबाइल ऐप बनाइए और लॉन्च कर दीजिए। जी जी। लोग will pick up and you will become a star। आपने इतनी मेहनत करी आपके इस बिजनेस के लिए, आपने इतनी शुरुआती दौर में भी और अब तक भी काफी मेहनत चलती आ रही है, कहीं आपके दिल में ऐसा आता है कि बच्चों को इसी बिजनेस को लेना चाहिए या ये लगता है कि उन्हें वो करना चाहिए जो उनके मन में आए? ऑब्वियसली सेकंड चॉइस जो है ऑब्वियसली जी। अगर वो उनके ऊपर थोपा जाएगा कि आईटी करो जी, तो ये बंद हो जाएगी कंपनी जी, नहीं चलेगी। बिल्कुल जी। क्योंकि उनको अच्छा, अगर अच्छा ही नहीं लगेगा तो कैसे करेंगे वो जी। बिल्कुल। मान लीजिए आप मुझे डॉक्टरी का काम दे दीजिए और मुझे
किसी का खून देखते ही बेहोशी आती हो तो मैं हॉस्पिटल कैसे चलाऊंगा बताइए जी जी नहीं आ सकती ना। तो आपके बच्चों के साथ अभी क्या है उनका आई डोंट नो दे आर टू यंग अभी वन इज 11 वन इज 15 इट इज टू यंग 16 हो गए 12 एंड 16 इज टू यंग टू टेल एनीथिंग आई थिंक दे विल थिंक क्या बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात बोली आपने क्योंकि आजकल जिस हिसाब से कंपटीशन पेरेंट्स ने क्रिएट कर दिया है कि मेरा बच्चा ये बनेगा और मेरा बच्चा वो बनेगा और तुमने ये करना है वो होता है ना कि रेस का घोड़ा बना देते हैं और दोनों तरफ पट्टे लगा के और एक रेस में दौड़ा देते हैं बच्चों को वो आजकल जो बहुत ज्यादा होने लग गया है ये बच्चों को स्ट्रेस भी दे देता है। आई डोंट नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग बट व्हाट आई बिलीव इज दे शुड परसू व्हाट दे लव टू डू इट डजंट मैटर उनको जॉब ड्रॉप करनी है जॉब करें काम करनी है काम करें क्या पसंद आता है आदमी की अपनी जिंदगी है हमको अच्छा करना है उनके लिए उनको सपोर्ट करना है वर्क जो करना चाहें दैट इज द पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइक हमारे पेरेंट्स ने जो किया हमें थोड़ी कहा कि आप आईटी करो सिरेमिक करो ये बिजनेस करो आके ऑयल में बैठ जाओ हमारे फादर ने तो फोर्स नहीं किया कि आके ऑयल में बैठो आप व्हेन ही नीडेड प्रोबेबली मोस्ट बोला आप करिए जो काम करना है सब सेम चीज जो हमारे पेरेंट्स ने दिया हमारे को वही चीज आगे जाएगी मेरे ख्याल से। अच्छा सर टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं तो ई गवर्नेंस ई बैंकिंग ई शॉपिंग ये सब भी आप ही की देन है तो अगर हम आगे की बात करें आपके फ्यूचर प्लानिंग्स की बात करें तो और क्या क्या है जो हमारे यूथ को मिलने वाला है। हमने बहुत कुछ दिया है हमने पहला यहाँ पर प्रोजेक्ट किए वाईफाई का राजस्थान में फर्स्ट वाईफाई हम लेकर के आए इंटरनेट का हॉटस्पॉट हमने बनाया ई गवर्नेंस के पहले प्रोजेक्ट्स हमने किए रणथंबोर को ऑनलाइन हमने किया पहली बार टूरिज्म पोर्टल को ऑनलाइन पहली बार किया। अच्छा सो वी हैव डन आज इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग जो होती है राजस्थान में काफी हम करते हैं पूरे जयपुर की बिलिंग हम करते हैं जी, आपके जी, घर पे जो बिल आता है वो हम भी बनाते हैं जी, अच्छा, क्या मैं कह सकती हूँ कि सर इसको थोड़ा कम करके कम करने के लिए विद्युत विभाग हम बनाते हैं खाली उसका कंट्रोल विद्युत विभाग के पास है तो उसका कम करने का बहुत अच्छा तरीका है एसी कम करिए घर में सो बट ये तो जितना आएगा वो आएगा ही कोई चारा नहीं है आपके पास जी, मैं भी परेशान हूँ हमारा भी बिल बढ़ता जा रहा है सो लेकिन देयर इज अ लॉट टू डू इन दिस हमने काफी प्रोजेक्ट किए आने वाले समय में मेरे को ऐसा लगता है कि इंग्लिश बेस्ड टेक्नोलॉजीज के साथ में जो नॉन इंग्लिश बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं मैंने पिछले 3-4 महीने से इस पे ज्यादा काम किया है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि देश में 10% जनता एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10.35% पॉपुलेशन इज फ्लुएंट इन इंग्लिश हु स्पीक एंड रीड इंग्लिश 89% पीपल आर नॉन इंग्लिश सो वी नीड टू वर्क फॉर देम टू गेट देम ऑनलाइन तो अगर कोई जना आज एक बिजनेस मॉडल बनाता है उन लोगों के लिए काम करने के लिए तो आप ये सोचिए कि 10% के लिए काम नहीं करना है आपको 89% की अपॉर्चुनिटी पे काम करना है तो डजंट इट मेक सेंस कि मैं ज्यादा बड़े सेगमेंट के लिए काम करूं और उनको अपनी उसमें से अपनी पाई लूं 10% में से मैं अगर 1% लेता हूं तो मुझे कितना मिलेगा और 89 में से 1% लेता हूं तो मुझे कितना मिलेगा बिल्कुल ऑब्वियसली आई हैव अ मोर बिगर पिक्चर तो मेरे ख्याल से हमको ये करना चाहिए कि भाषीय रिलेटेड सब्जेक्ट में टेक्नोलॉजीज पे काम करना चाहिए कि हम किस तरीके से लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों पर टेक्नोलॉजी पहुंचा सके बहुत समस्याएं हैं ऐसा नहीं है जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मेरा खुद के नाम की DATA अगर हम ट्रांसलिटरेट करते हैं उसको गूगल पर तो वो हमेशा मुझे डेटा देता है बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर डेटा बिल्कुल आई एम लुकिंग फॉर डाटा बिल्कुल राइट तो मैं अगर सर्च करूंगा हिंदी में डाटा तो वो हमेशा मुझे डेटा देता है अच्छा So there is an error right now. They are not able to comprehend that it's my name. जी. So that intelligence is required in the software जी. to understand the difference. So if you search crocodile, for example, on TV or on Google, so are you looking at crocodile brand of t-shirt or crocodile as animal? Animal. That intelligence is required. जी. Right? So these kind of things have to work more. तो हमारी language के अंदर बहुत कुछ है ऐसा मैं बताना चाहूंगा तो आपको घर और धर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ हो और अगर बहुत छोटा लिखा हो तो एक आम आदमी शायद उसको डिफरेंस नहीं कर पाएगा तो सर्च इंजन के थ्रू उसको जब डिटेक्ट करते हैं OCR के थ्रू तो हम उसको क्या पढ़ेगा वो बहुत काम है जो करने को है और टेक्नोलॉजीज में तो अगर भाषीय चीज पे काम किया जाए तो उसके ऊपर यूथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं मेरे हिसाब से
और हर भाषा में बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत कम काम हुआ है अभी तक इसमें। रशिया में 100% वेबसाइट्स रशियन लैंग्वेज में है। अच्छा, 100% वेबसाइट्स। इंडिया में 98% वेबसाइट्स आर इन इंग्लिश, इंग्लिश में, और जो 2% है उस पे काम चल रहा है अभी। जस्ट इमेजिन जी। एंड हमारा 40% जनता हिंदी जानती है एज पर पॉपुलेशन जी। सो हमारी 40% पॉपुलेशन हिंदी जानती है और वेबसाइट 2% भी नहीं है जी। बिल्कुल। सो वी नीड टू ब्रिज दैट गैप। बिल्कुल। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सबको काम करने के लिए जी जी। तो हमें ये काम करना है, सबको मिलके करेंगे, ये एक जने का बस का काम नहीं है। ऑल वेबसाइट्स गवर्नमेंट हैज टू आल्सो वर्क जी। तो हमने कल एक प्लेटफॉर्म मिला था, तो मैंने सरकार के सीनियर लोग थे उनको बोला है कि आज भारत सरकार की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी लैंग्वेजेस में क्यों नहीं होनी चाहिए जी। जी। मराठी में भी होनी चाहिए, हिंदी में भी होनी चाहिए, गुजराती में भी होनी चाहिए। बिल्कुल। सो दैट एक गुजराती आदमी उस साइट को ढंग से पढ़ पाए, समझ पाए। आज वो डिपेंडेंट है बिल्कुल इंग्लिश पर। तो बहुत काम करने को है यूथ के लिए, करना चाहिए। और आज जो डाटा मेल ऐप हमने दिया है वो सब लोग डाउनलोड करके अपने हिंदी आईडी तो बनाए, आज फ्री है। इस माध्यम से सबको गिफ्ट ही चला गया आज। बिल्कुल, वाकई में गिफ्ट हो गया, एक गिफ्ट हो गया कि अपने लिए फ्री ईमेल आईडी लीजिए। अदरवाइज 1000 रुपए साल का चार्ज करते हैं हम। अच्छा अच्छा, एक ईमेल आईडी का। अच्छा, आप अगर नेहा डॉट भारत पे लेंगी आईडी तो 1000 रुपए साल का लगेगा। अच्छा, आज अच्छा, हम सारे दर्शकों को फ्री है। अच्छा, डाटा मेल ऐप डाउनलोड करनी है बस। और ये फ्री मिलेगा, फ्री मिल जाएगा। और हम सब लोग, दूसरी बात और है, डाउनलोड करके हमारे लिए तो आईडी ले रहे हैं, हम भारत सरकार का डिजिटल इंडिया मिशन है उसमें सहयोग भी दे रहे हैं जी। बिल्कुल, कि हमको भारत सरकार डिजिटल इंडिया का मिशन का मतलब क्या है, हर इंडियन नागरिक डिजिटली एम्पावर हो। बिल्कुल, उस तक वो सुविधा पहुंचे। तो अगर आप आईडी ले लेंगे और अभी तक आईडी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं भारत सरकार के मिशन को सहयोग भी कर रहे हैं जी। बिल्कुल, तो ये भी एक बहुत जरूरी बात है जी जी जी। तो इसी के साथ हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो जनरेशन है, अभी जो जनरेशन हमारी आने वाली नई जनरेशन है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो एग्जिस्टिंग जनरेशन है उनके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जो लोग काम करना चाहते हैं ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं वास्तव में जी। जी। बड़ा दुख होता है कि व्हेन दे कम फॉर एन इंटरव्यू दे डोंट नो व्हाट टू डू जी। बिल्कुल, दे नो 20,000 रुपए चाहिए, काम क्या करेंगे, सर आप जो भी दे देंगे जी। इज दिस द आंसर यू आर एक्सपेक्टिंग, यू डोंट नो व्हाट टू डू। वी हैव टू आइडेंटिफाई, एवरी यूथ मस्ट नो व्हेन ही कम्स आउट ऑफ द कॉलेज, व्हेन ही डज हिज एमसीए और व्हाटएवर, ही शुड नो व्हाट ही वांट्स टू बिकम, व्हाट ही वांट्स टू परसू। आपने एमसीए कर भी लिया है तो जरूरी नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि एमसीए इज फॉर यू आर नॉट जी। बहुत सिविल इंजीनियर्स हैं जो आईटी में आ गए हैं बाद में जी, और बहुत आईटी के लोग हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। आई हैव ए पर्सन हु डिड हु इज डॉक्टर बाय प्रोफेशन जी, एंड आई नो ही इज डूइंग अ ग्रेट सिविल इंजीनियरिंग वर्क। बहुत बहुत छोड़ दिया उसने, बहुत रियलाइज किया यार इट इज नॉट फॉर मी जी। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि आइडेंटिफाई करना कि क्या करना है। पैसे आपको फॉलो करते हैं, पैसे मांगने से नहीं मिलते। बहुत सही बात कही सर आपने, और इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रभात धरती धुरारी पर आने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अब इसी के साथ हम लेकर चलते हैं हमारे दर्शकों को लोकगीत की ओर, और उसके बाद न्यूज। तड़पती हो दिन रे तुम्हारा सजनिया रे, सजनिया माने उलुगनिया वे माना दान निभावे घरिया वो मरा पर
खुशी हो।